खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। रायपुरिया के पाटीदार समाज के मंदिर परिसर में एक शादी संपन्न हुई, जिसमें सभी चीजों का ध्यान रखा गया। दूल्हे की तरफ से 5 मेहमान तो दुल्हन की तरफ से भी 5 मेहमान शामिल हुए। शादी में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया, साथ ही दोनों वर वधु के मुंह पर मास्क लगे हुए थे। यह शादी मात्र 3,000 में हो गई। पाटीदार समाज के अध्यक्ष नंद किशोर पाटीदार ने बताया कि आज के समय में समाज में यह बहुत जरूरी हो गया कि फिजूल खर्ची बंद की जाए। मैं ऐसी शादी से खुश हूं। समाज के सचिव नाथूलाल पाटीदार ने बताया कि हमारे समाज के लिए एक प्रेरणादायक शादी है। मैं इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हाँ, कोरोना की वजह से शादी करने की हमें अनुभूति मिली थी, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें, और आगे भी ऐसी शादी होती रहे ताकि फिजूल खर्च से सब लोग बच सके। शादी हो सके, अच्छा लगा, अच्छा लगेगा। आने वाला समय भी ऐसे शादी वगैरह करते रहेंगे तो हर इंसान हर फिजूल खर्चे से बच सकेगा। हाँ, फिजूल खर्चे से बच सकेगा। मैं ये जो शादी हो रही है इससे बड़ा खुश हूँ। समाज ये जो शादी कर रहा है, जो सरकार की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक ये शादी हो रही है, और जो सरकार ने जो निर्देश दिए हैं कि जिस शादी में 50 लोगों को इकट्ठा होना है उसके मुताबिक ये शादी हो रही है, और इस शादी से परिवार वालों के खर्चे बहुत ही कम हो रहे हैं, और समाज को इससे सीख लेना चाहिए और आगे भी कम खर्चे में शादी होना चाहिए। और समाज को मैं संदेश देना चाहूँगा कि आगे भी कम खर्चों में ही शादियाँ करना है। लॉकडाउन की वजह से आज हमारे पूरे विश्व को कोरोना वायरस ने जकड़ रखा है, इसको ध्यान रखते हुए आज हमारे पाटीदार समाज ने निर्णय लिया कि कम खर्चीली शादी और 5-5 मेहमान की शादी का संकल्प लेकर आगे इस योद्धा को बढ़ाते रहे, चाहे ऐसे कोरोना की कई बीमारियां भी आए, लेकिन आज हमारा समाज जो है ऐसी बड़ी भारी खर्चीली शादियों से वंचित होकर शॉर्टकट की शादियों से भी अपने परिवार में आज ये कार्यक्रम संपन्न करने की आगे भी हम प्रेरणा दे रहे हैं। आज हमारा रायपुरिया में माँ अम्बिका मंदिर के पर एक रायपुर के पाटीदार समाज की बालिका का विवाह हम 5-5 मेहमानों में संपन्न कर रहे हैं। मैं गांव का पाटीदार समाज का सचिव होने के नाते आह्वान करूंगा कि ऐसे कार्यक्रम और ऐसी व्यवस्था 5-5 वाली हो तो समाज भी उन्नति करेगा, और कई ऐसी कुरीतियों को समाज को झेलने की आवश्यकता नहीं रहेगी और शादी संपन्न होती रहेगी और समाज इसकी पूरा सहभागीदारी बने। झाबुआ से गोपाल राठौर की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।